नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छत्तीसगढ़ में बारिश की खबर के साथ। लगातार बारिश का सिलसिला एक तरफ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भारी चेतावनी बारिश को लेकर दी है। कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बारिश ने सितम ढाया है, कहां कहां वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। धमतरी में थाने में पानी के साथ साथ सांप और मेंढक आ गए हैं, तो वहीं सुकमा में घरों में पानी घुस गया है। उधर राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं बिलासपुर में बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। मुंगेली में मूसलाधार बारिश हुई है, तो वहीं कांकेर में भी बारिश की वजह से घर पानी पानी हो गया। ये छह तस्वीरें बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ में बारिश से जिंदगी बेहाल है। मौसम विभाग ने भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। और अब जो तस्वीर आपको रायपुर की दिखाएंगे, इसे देखकर आप भी कहेंगे कि पानी पानी हुई राजधानी। बता दें कि पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से राजधानी रायपुर जलमग्न हो गई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है, जिसके बाद कमिश्नर निरीक्षण के लिए निकले और अधिकारियों को जलभराव से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। तो बारिश ने देखिए राजधानी को पानी पानी कर दिया है। ऐसे में कमिश्नर की तरफ से भी निरीक्षण किया गया और दिशा निर्देश जारी किए गए कि जल्द से जल्द इस तरह की जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको ठीक किया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि इस तरह जल जमाव ना हो। रायपुर में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से राजधानी रायपुर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के अवंती विहार रोड पर। और ये रोड की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि किस तरह से पूरे रोड में घुटनों तक पानी जो है वो भरा हुआ है। चारों तरफ की गलियों पर जो है पानी का भराव यहाँ पर हुआ है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर कल रात से हो रही बारिश के चलते पानी भर चुके हैं। चाहे भाटागांव की हम बात करें, मोआ की हम बात करें, प्रोफेसर कॉलोनी की हम बात करें, तो ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ के सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी है। इसके अलावा कई घरों पर भी जो है पानी भर चुका है और हर साल राजधानी रायपुर में लगातार हो रही बारिश से ये समस्या जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई निराकरण जो है वो नहीं हो पाया है। लगातार बारिश से पहले, मानसून से पहले नगर निगम की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, लेकिन फिर भी जब कभी भी बारिश होती है तो जमीनी हालात जो है यही नजर आते हैं। और इस बार नगर निगम का कहना था कि वे 70-80% जल भराव की समस्या को खत्म कर देंगे, लेकिन तस्वीर जो है वो जस्ट अपोजिट निकल कर सामने आ रही है। और वहीं नालियों को भी जो है जल भराव की समस्या न हो इसके लिए साफ कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी नालियां भी पूरी तरह से लबालब है, नाली के कचड़े सड़कों पर आ रहे हैं। और तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों को किस तरह से पानी भरने की वजह से आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई इलाकों में पानी भरे होने की वजह से जाम वाली भी हालात जो है वो देखने को मिल रही है। तो बहरहाल हर साल राजधानी रायपुर में बारिश के समय में यही हालात जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब राजधानी रायपुर जल भराव की समस्या से समाधान पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो लगातार बारिश की वजह से परेशानी हो रही है, तो कोंडागांव में भी भारी बारिश के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि एक गलती भारी ना पड़ जाए। तस्वीर उन छात्रों की है जो भंवरडीह नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद फंस गए हैं। बड़े राजपुर के छिंदली अमली डीह जाना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद छात्र साइकिल को उठाकर नदी पार कर रही हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा। और अब बात करेंगे कवर्धा की, जहां लगातार बारिश हो रही है और कई गांव में 2-3 फीट तक पानी भर गया है। एक ऐसी ही तस्वीर शहर के लोहारा ब्लॉक के खोलवा से सामने आई है, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोगों का हाल बेहाल है। इसी पानी से डूबकर आना जाना पड़ रहा है लोगों को। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। क्या करें, मजबूर हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि उनका काम है और ऐसे में इसी पानी से वो गुजरने को मजबूर हैं, भले ही इसमें डूबने का खतरा क्यों ना हो। उल्टा आ है सबो पानी।
धमतरी में भारी बारिश के कारण गंगरेल बांध लबालब हो चुका है। 6 गेट इसके खोले गए हैं। 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इस बांध पर। हर बार आप देखिए, जब भी जलभराव होता है तो गेट खोले जाते हैं, और अब 90% से ज़्यादा बांध भर चुका है। बांध में 1,18,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। आज गंगरेल बांध से पानी ढिलही थोड़ी रही। सुनो ग्रामवासी, गंगरेल डैम में तो नदी तरफ जाना सख्त मना है। पुनः सूचना, आज पानी छोड़ा जाएगा नदी किनारे। कांकेर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं और बांध का पानी घरों में घुस गया है। खेतों में पानी भरने से फसलें तबाह हो चुकी हैं। परेशान ग्रामीणों ने पानी की निकासी के लिए पुल बनाने की भी मांग की। पुल की मांग को लेकर लोगों ने चक्का जाम भी किया। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चक्का जाम की भी, कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम फेल है और सितंबर में सितम देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है, भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं यहाँ पर। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहाँ बारिश से हो रही परेशानियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर बलौदाबाजार की भी है, जहाँ तहसील कार्यालय के परिसर में पानी भर चुका है, तो दूसरी तरफ जिले में लगातार बारिश से कई जगहों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, जहां पर लबालब हो चुके इलाके, आदर्श गांव होने के बावजूद जांजगीर चांपा की भी तस्वीर आप देखिए, हालत खराब है। गांव में दाह संस्कार के लिए शेड तक नहीं है। खासतौर पर बारिश के समय ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। बारिश के मौसम में लोग तिरपाल लगाकर दाह संस्कार करते हैं और कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें कि अकलतरा विकासखंड के कई गांव में अब तक मुक्ति धाम ही नहीं बने हैं, और ये मजबूरन देखिए लोगों को तिरपाल लेकर खड़ा होना पड़ रहा है। इस दाह संस्कार के स्थान में मुक्ति धाम में किसी प्रकार से शेड का निर्माण नहीं हुआ है। आज जो स्थिति मैं आपको कुछ फोटो और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जहां पे बारिश हुआ और बारिश की स्थिति में हम लोग दाह संस्कार कैसे किए हैं, ये बहुत ही पीड़ादायक है। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि यहां मुक्ति धाम निर्माण एवं सेत निर्माण या बैठने के लिए व्यवस्था, पानी की व्यवस्था एवं हाथा निर्माण की व्यवस्था जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। तो देखा आपने कि कितने ज़्यादा परेशान हैं लोग, और मुक्ति धाम नहीं होने की वजह से खुद ही वीडियो बनाकर गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से। बलौदाबाजार से योगेश यादव मेरे साथ हैं और कवर्धा से मनीष मिश्रा मेरे साथ हैं। कवर्धा के क्या हालात हैं मनीष, सबसे पहले? बीती रात से जो बारिश हो रही है, आज सुबह भी झमाझम बारिश हो रही है क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में। आज जल भराव की भी स्थिति देखने को मिली है, कि जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लोहारा ब्लॉक के खोलवा गांव की है, जहां ग्रामीण जो है वो इस परेशानियों से दो चार उनको होना पड़ रहा है। पूरे गाँव में जो पानी भर गया, गलियों में पानी भरा हुआ है और पूरा परिसर जो है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जो पानी भरा ना हो, पूरा लबालब परिसर है। गाँव वाले कहीं आ जा नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे हैं, और जल भराव की स्थिति यहाँ पे देखने को मिली है। जनजीवन इससे खासा प्रभावित हुआ है, और ये वजह जो बताई जा रही है, बारिश तो एक वजह है, इसके अलावा जो वहां पे पास में गांव का तो बांध है, जो करण नाला बैराज है, वहां से जो ओवरफ्लो की स्थिति बनी हुई है, वो पानी जो है गांव में घुसा, और गांव में घुसने की वजह से पूरा गांव जो है वो लबालब नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम यहां पे पहुंची है, तहसीलदार और जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पे पहुंचा, किसी भी गाँव के लोगों को खासकर बच्चों को बाहर निकलने के लिए मनाही की गई है, कि जो काम अगर ना हो तो गाँव से बाहर आने के लिए पानी भरने की स्थिति में वो अपने घर में रही, क्योंकि मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की सूचना जो है वो जारी की है। तो इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, और उनके द्वारा ये कहा गया जो नदी किनारे वाले जो गांव है वहां पे जो वो किनारे पे ना जाएं, और वो प्रशासन के द्वारा भी पूरे मामले पे जो है नजर बना के रखी गई है। जी अंशिका,
ठीक है मनीष, कवर्धा में तो प्रशासन की तरफ से तमाम आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन बलौदाबाजार के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। योगेश, आप बलौदाबाजार में ही इस वक्त मौजूद हैं, जरूर दिखाइए तस्वीर भी, क्योंकि आप दिखा सकते हैं आपके पीछे जो जलस्तर है वो नदियों का भी बढ़ रहा है, तो इलाके में भी हर तरफ पानी ही पानी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलौदा बाजार में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। देख सकते हैं ये जो छोटा सा नाला है, यहाँ से गांव के लोग इस नाले को पार करते थे, लेकिन इस नाले में अभी पानी चलने की वजह से लोग यहाँ पर नाला जो है पार नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बलौदा बाजार के अमेठी घाट की भी बात करें तो अमेठी घाट लगातार जब भी बारिश आती है, पिछले कई वर्षों से लोगों की मांग रही है कि अमेठी घाट की जो पुल है, पुलिया है, वो पुल पुलियों में लगभग ऊंचाई होना चाहिए या उसको पुलिया की निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वो घाट है जिससे लगभग दर्जन भर के गांव का संपर्क टूट जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही वहां का संपर्क बिल्कुल जिला मुख्यालय से बना हुआ था, लेकिन एक बार फिर बारिश होने की वजह से वहाँ का संपर्क लोगों से टूट चुका है। कुछ वहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं कि कैसी समस्या हो रही है बारिश। जी लगातार इस वर्ष का जो बरसात है, काफी बारिश हो जाने के कारण नदी नाले उफान पर है। बच्चों को स्कूल आवागमन करने में कई जगह पुल की मरम्मत न हो पाने के कारण, कई जगह पुल निर्माण होने के कारण आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और जान हानि की भी नुकसान होने के खतरा बना रहता है। देख सकते हैं लोग हैं जो लगातार इस पार से उस पर आते जाते हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं पुल पुलिया बनना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश होती तब भी ऐसी समस्या होती है। अगर बारिश जनता को होंगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि जितने भी काम काज है उनमें बाधा आती है, तो ऐसे में प्रशासन से गुहार लगाना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। बलौदाबाजार के विकासखंड सिमगा के हथबंध में खाद्य और औषधि विभाग ने कार्रवाई की है। 3 होटलों और कई दुकान पर छापेमारी की है। इस दौरान खराब सामग्री भी मिले हैं, जिसके बाद दुकान और होटल को नोटिस थमाया गया। बता दें होटल और दुकान से 41 सैंपल जांच के लिए थे, जिसमें कई सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। और अब बात बिलासपुर की होगी, जहां छात्राओं के आंदोलन पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के 4 नेताओं पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ। राहुल हंसपाल, मजहर खान, गोलू खान और अश्विनी विश्वकर्मा के खिलाफ पचपेड़ी थाना में केस दर्ज हुआ है। उन पर छात्राओं को आंदोलन के लिए भड़काने और अधिकारियों से बदसलूकी का आरोप लगाया गया। बता दें कि पचपेड़ी के छात्रावास की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया था। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अब भी छात्राओं का प्रदर्शन जारी है? देखिए, वे छात्राओं का प्रदर्शन तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये जरूर है कि छात्राओं के आंदोलन पर ये राजनीतिक एंगल जो है वो सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर युवा कांग्रेस एनएसयूआई से जुड़े 4 नेताओं पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। इन नेताओं में राहुल हंसपाल, मजहर खान, गोलू खान। ठीक है, जानकारी आगे और भी आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कवर्धा की, जहां अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया और आरोप कांग्रेस के एक नेता पर लगा है। अस्पताल में हो रहे हंगामे और बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि विवाद के बीच कहां सुनी हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि डायरिया का इलाज सही से नहीं होने पर कांग्रेस के नेता बिफर गए थे। अब महिला डॉक्टर ने पंडरिया के BMO को मामले की जानकारी दी है। मनीष मिश्रा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मामला क्या है पूरा? ये पूरा मामला जो है कवर्धा जिले के पंडरिया विकास खंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां गांव में एक डायरिया के मरीज को लेकर जो कांग्रेस नेता है कांशीराम ठाकुर, उनके द्वारा जो उनके परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां से गए हुए थे और वहां पे इलाज की बात जो है उनको समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा था, इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता ने काफी हंगामा किया। हालांकि उनके द्वारा यह कहा गया था कि जो डॉक्टर बैठी हुए हैं वो जाकर जो मरीज को भी देख रही थी और वो सिर्फ अपने नर्स को ही निर्देश दे रही थी कि वो उठे उनकी जांच करे, इस वजह से वो थोड़े से नाराज नजर आए थे और इस कारण से उन्होंने वापस तो चिल्लाने की कार्रवाई वो किसी जिसके कारण से जो ये स्थिति बनी थी। हालांकि डॉक्टर की इसमें उन्होंने गलती बताई है कि वो डॉक्टर जो है अपना इलाज का नहीं कर रहे थे, अपना काम नहीं कर रहे थे, इस कारण से ऐसी स्थिति बनी थी। हालांकि डॉक्टर के द्वारा जो है अपने विभागीय अधिकारी जो BMO है उनको इसकी लिखित शिकायत कर दी कि इस तरह की स्थिति उनके सामने बनी थी और पूरी इस मामले की जाँच की जा रही है। हालांकि दोनों पक्ष जो है अभी तक थाने में इस मामले को लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनीष। बस्तर में नक्सली संगठन में आपस में ही कलह की खबरें सामने आ रही हैं। नक्सलियों ने अपने ही एक साथी को मौत के घाट उतार दिया।
जवानों की कार्रवाई से नक्सली बौखला गए हैं और इसी का नतीजा है कि वो अब आपस में ही लड़ रहे हैं। बस्तर आईजी ने इसका खुलासा किया। आईजी ने बताया कि 5 दिन पहले डिवीजन कमेटी के एसीएम विज्जा की तेलुगु कैडर विजय रेड्डी और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों से कहा कि अगर जान बचानी है तो वो आत्मसमर्पण कर दें। तो नक्सली संगठन में आपसी कलह देखने को मिल रहा है। आईजी की तरफ से भी इस पर एक बयान आया और उन्होंने कहा कि जान बचानी है तो नक्सली सरेंडर करें। स्थानीय माओवादी कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ के दौरान स्थानीय माओवादी कैडर को सामने करके पीछे से अपना जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन स्थिति के विपरीत वर्ष 2024 में हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात तेलंगाना राज्य के रहने वाला सीनियर माओवादी कैडर जोगन्ना रणधीर सागर एवं महाराष्ट्र उड़ीसा के रहने वाला अन्य सीनियर माओवादियों के कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। इस कारण से भारतीय माओवादी लीडर्स द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर पर शक करना शुरू कर दिया। अंदरूनी कलह एवं विद्रोह की स्थिति भी निर्मित हो रहा है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां रायगढ़ के व्यवसायी नटवरलाल अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अनोखी याचिका दायर की है। याचिका में ठगी के मामले में नटवरलाल नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये नाम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, इसके दुरुपयोग से उन्हें मानसिक और सामाजिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और अब बात स्कूल में शराब पार्टी की। जी हां, बिलासपुर में भटचौरा गांव के मस्तूरी शासकीय स्कूल में छात्राओं की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने स्कूल में बर्थडे पर शराब पार्टी की, जाम छलकाते हुए रील बनाया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद डीईओ ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित की है। तो शराब पार्टी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले में डीईओ ने एक जांच कमेटी बनाई है। छात्राओं की शराब पार्टी पर कौन कौन जिम्मेदार हैं, अब उनको रडार पर लिया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि शिक्षा के इस मंदिर में दारू पार्टी चल रही थी, लेकिन कानों कान किसी को खबर नहीं लगी। कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अंबिकापुर प्लांट हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुराने कांग्रेस भवन के सामने पहुंची हुई हैं। महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा और सीएम हाउस को घेरने की रणनीति इसमें तैयार की गई है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, काफी ज्यादा महिलाएं यहां पर उग्र नजर आ रही हैं और इस बार महिलाओं के खिलाफ जो है बढ़ते अपराध को लेकर ये गुस्सा सामने आया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर और उसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर महिला कांग्रेस का जो है प्रदर्शन चल रहा है। और अभी जो है बड़ी संख्या में प्रदेशभर से आई महिलाएं जो है वो गांधी मैदान में जो है इकट्ठा हुई और इकट्ठा होने के बाद अभी सभा वहां पर जो है चल रही है। सभा होने के बाद सभी महिलाएं जो है सीएम हाउस के घेराव के लिए निकलेंगे और इससे पहले भी लगातार जो है कानून व्यवस्था की हम बात करें या महिला सुरक्षा की हम बात करें तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रही है और अलग अलग तरह से कांग्रेस के द्वारा लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी जो है वो किया गया है। और कुछ ही देर में अब सभी जो महिलाएं हैं जो वहां पर इकट्ठा हुई है वो सीएम हाउस के लिए जो है निकलने वाली है। इससे पहले भी लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आपराधिक घटनाओं को संरक्षण दे रही है, इसके साथ ही सख्ती से उन पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही उनका कहना था कि बीजेपी के 9 महीने के सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, 6000 से ज्यादा आपराधिक मामले लगातार जो है वो दर्ज हो रहे। तो तमाम तरह के आरोप जो है कांग्रेस की तरफ बीजेपी के लिए लगाए गए और इसी को लेकर आज फिर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस जो है वो करने जा रही है। और कुछ ही देर में ये प्रदर्शन जो है अभी शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ ही देर में सभी महिलाएं जो वहां पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुई है वो सीएम हाउस के लिए निकलने वाली है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु।
अंबिकापुर प्लांट हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने जांच टीम बना ली है। दो दिन में ये टीम जांच रिपोर्ट सौंपेगी। जांच दल में एसडीएम लूंड्रा, जिला श्रम पदाधिकारी अंबिकापुर, प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र, औद्योगिक और सुरक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है। जांच होने तक फैक्ट्री बंद रहेगी और फैक्ट्री में ना प्रोडक्शन होगा ना ही किसी तरह के रिपेयरिंग का काम होगा। बता दें कुछ दिन पहले ही अंबिकापुर में बॉयलर के फटने की वजह से बड़ा हादसा हो गया था, कई मजदूरों की मौत हो गई थी तो कई घायल बताए गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में एडमिट किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लंबा चला। इन सब के बीच एक जो टीम है जांच के लिए वो बनाई गई है। मनेन्द्रगढ़ में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से स्टॉक किया गया है 20 टन कोयला जब्त कर लिया गया। दो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई है। नागपुर चौकी के जोबा पारा में ये कार्रवाई हुई है। और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां पुलिस ने एक झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती की मौत हो गई थी। आरोपी झोलाछाप को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है।